हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छो। तो आज अनदर ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैं हूँ प्रदीप, आप देख रहे हैं प्रदीप वाल ब्लॉगिंग चैनल। तो आज हम लोग आया हूँ एयरपोर्ट पे। कौन से एयरपोर्ट पे? नेपाल का अंदर एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, वो एयरपोर्ट में हम लोग थोड़ा आया घूमने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। जो मेरे पीछे देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, ये पोखरा एयरपोर्ट है। तो पोखरा एयरपोर्ट है नेपाल का अंदर बहुत फेमस, अभी नया बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पर नज़ारा इस तरफ से लेके ऐसा ही खूबसूरत नज़ारा है। तो हम लोग अभी अंदर में जाने वाला हूँ, अंदर में क्या क्या चीज़ अभी नया नया बन रहा है, वो बनाने बना है, सब कुछ आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। इस तरह में चार पास का नज़ारा है, पूरा कनेक्शन काम चल रहा है और वो आगे देख रहे हैं रोड का काम चल रहा है। ये एयरपोर्ट का बाहर का नज़ारा देखो, उस तरफ होने वाला है पार्किंग, हो सकता है उधर पर पार्किंग। और इस तरफ बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बाहर का नज़ारा। तो इस तरफ पर लाइटिंग है। तो आगे का रोड है, 1 किलोमीटर का ऊपर रोड होने वाला है। तो रोड जो है 1 किलोमीटर से ज़्यादा है रोड, देखो कितना पूरा काम चल रहा है अभी। तो हम लोग अभी जाने वाला हूँ अंदर तरफ, अंदर में क्या क्या चीज़ें सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अंदर में जाता हूँ। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट का अंदर में एंटर कर चुका हूँ। देखो उस तरफ काउंटर का सामान सब हो रहा है, रेडी हो रहा है। इस तरफ क्लास क्लास रेडी हो चुका है, इस तरफ वेटिंग रूम बनाएगा जैसे लग रहा है। और इस तरफ भी है, नेपाल का सबसे बड़ा होगा ना ये, नेपाल का अंदर में सबसे ब्यूटीफुल प्लेस मतलब एयरपोर्ट होने वाला है। तो देखो एयरपोर्ट का नज़ारा अंदर में, अभी भी सामान पूरा ऐसे फेंका हुआ है, रखा हुआ है, मतलब उसका अब काम पूरा चल रहा है। वो जो देख रहे हैं ना, उसका अंदर से अगर जो बैग घूमते रहता है ना, वही होने वाला है लिफ्ट, बैग के लिए लिफ्ट होने वाला है। देखो इधर भी काम पूरा चल रहा है, इसको भी ऐसा वीडियो आप कभी किसी का यूट्यूब चैनल पर देखा नहीं हो सकता है, किंतु मैं पहले बार ऐसे यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्या ना कोई आदमी को अलाउ नहीं इसके अंदर में आने के लिए। तो हम लोग फाइनली इसका जो मेन जिधर पर फ्लैट लैंड होता है उस तरफ अभी जा रहा हूँ। तो देखो इस तरफ का नज़ारा ऐसा है, उस तरफ बाहर का नज़ारा ऐसा है। ये मेरा दोस्त है, दोस्त कुछ बोलना चाहते है? कुछ बोलना चाह रहे नहीं, नहीं। और इस तरफ मेरे मामा आगे जा रहा है, वो मेरे मामा इधर पे काम करता है, इसलिए ये जो सामान देख रहे हैं, हाँ वो जो बैगेज, हाँ बैगेज चेक होगा इधर पे, स्कैनिंग होगा। बैग में अंदर में कुछ एक ही नहीं है, हाँ स्कैनिंग बॉक्स से कुछ 2 नंबर ही सामान होगा पकड़ लेगा। देखो ये सामान, ये एयरपोर्ट का बाहर का नजारा है, ये जो देख रहा है ये सिस्टम अभी बन रहा है। कितना एकड़ का ये प्लेस है? 1000 एकड़ प्लेस। देखो ये चार पास का नज़ारा, पूरा काम चला है। ये चाइनीज आदमी लोग इधर ज़्यादा काम करते हैं, चाइनीज आदमी लोग, चाइनीज नेपाल पे ज़्यादा चाइनीज का आदमी ही काम करता है। ये जी इधर का नज़ारा है इस तरफ से पोखरा एयरपोर्ट, आदमी लोग आगे फ्लाइट में चढ़ेगा। हाँ वो तो पता ही, वो जो पूरा काम चल रहा है ना नेपाल का, नेपाल का पहला ऐसे सिस्टम है, कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट में नहीं, पहले बार है ना, पहले बार ऐसा हो रहा है। नेपाल भी पहाड़ी इलाका ना, इसलिए उसको बनाने में तकलीफ होता है। दोनों को इससे नेपाल का अंदर प्लेस बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया है। एयरपोर्ट का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, जो दिख रहा है ये, इसको मतलब जूम लाइन आ रही है आपका पोखरा एयरपोर्ट का नज़ारा है। और ये थोड़ा आगे जाने के बाद भी 2 से 3 किलोमीटर हमारे रोड से भी बाहर से जाने के बाद इधर भी और एक एयरपोर्ट है, वो नेशनल नहीं, वो जो लोकल के लिए इंटरनेशनल होने वाला है, खूबसूरत होने वाला है। खूबसूरत मतलब जो नेपाल का खूबसूरत एयरपोर्ट भी होने वाला है। ये जो देख रहा है, ये जो किरण देख रहा है, वो मेरा मामा चलाता है, इसलिए इसका अंदर में घुसने का अप्रूव भी मिला है। देखो जो अभी पूरा काम चल रहा है, 95% काम ऑलरेडी हो चुका है और 5% काम करना है। जो कॉन्टैक्ट जो मिला है ना, कॉन्टैक्ट चाइना कंपनी को मिला है, तो मेड इन चाइना और जापान सब मिला के कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। और मेरे मामा का काम इधर पे जो केरन होता है, जो जुमलन बोलते इधर पे, वो जो मैं आपको देख रहा हूँ, वो जो गाड़ी है उसको से लेके जो सामान ज़्यादा वेट वाला सामान है उसको पकड़ के रखना है, उसको सही से करके बैठाना है, वही मेरे मामा का काम है। बहुत खूबसूरत है। तो कोई एयरपोर्ट ओपनिंग होने का पहले एक्सप्लोर करने का मौका किसी को ऐसे मिलता नहीं, और मेरे को पहले मिला। तो अभी भी देखो 2 साल तो कम से कम लग जाएगा इसके ओपनिंग होने में। तो देखो कितना खूबसूरत और कितना खूबसूरत नज़ारा, और चार पांच का नज़ारा तो और ऑसम और ब्यूटीफुल प्लेस है, जितना भी बताओ कम है आपके लिए। देखो पूरा 95% काम हो चुका है, तो बहुत बड़ा फील्ड है इधर पे, आपको इधर पे फ्लाइट होने वाला लैंड, इधर का जो एरिया है इधर पर होने वाला फ्लाइट लैंड। देखो ऊपर एक फ्लाइट भी जा रहा है, आप शायद देख रहा है ऊपर में एक फ्लाइट भी जा रहा है, शायद आप लोग नहीं देख रहे, मैं आपको दूर।
अभी जो फ्लैट गया ना वो फ्लैट इधर पे लोग एक एयरपोर्ट भी है, वो एयरपोर्ट में नाम होगा उसका नाम भी पोखरा है, तो उसको शायद इसको चालू करने का तो इसको बंद कर सकता है मेरे हिसाब से, बंद कर देगा जैसे लगा कि दो एयरपोर्ट एक साथ नहीं चलने वाला है, तो एक एयरपोर्ट तो बंद कर सकता है, इसको बनाने वाला इंटरनेशनल दोस्त, इसको इंटरनेशनल होने वाला है ना ये इंटरनेशनल होगा ना, क्योंकि सच में बहुत खूबसूरत है और आपको अच्छा लग रहा है। अरे बहुत अच्छा है ना, अब तो फर्स्ट टाइम आया ना इधर, फर्स्ट टाइम आया, अब हम इधर से सब जाएंगे विदेश विदेश। हाँ अच्छा बात, इधर हाँ इधर से सब जगह एक्सप्लोर कर सकता है, देख भी सकता है, और क्या बताऊँ बहुत खूबसूरत, इधर आके बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा, प्लेस भी वेरी नाइस ब्यूटीफुल प्लेस इन पोखरा इन नेपाल। तो देखो आस पास का जो नज़ारा देख रहे हैं ना, अभी तरह धूप है इसलिए जाता ना, इधर से पूरा माउंटेन जो होता है ना माउंटेन देखा देता है, इसलिए अभी थोड़ा नहीं देखा है, पूरा ज़्यादा धूप है इसलिए माउंटेन को अभी देख नहीं पा रहा हूँ हम लोग, खूबसूरत प्लेस है सच में। तो चले हम लोग कुछ शॉट ले रहे, शॉट को इंजॉय करें। देखो इधर पे काम चल रहा है, मेरे मामा भी हुआ चाइनीज लोग से काम चल रहा है, बात कैसे करते हैं चाइनीज भी बात करो लोग, इंग्लिश भी पता नहीं चाइनीज लोग को, किसी किसी को पता है किसी किसी को पता नहीं। देखो काम चल रहा है इस तरह पूरा, अब देखो काम चलेगा ना जरा देखो। तो चलिए हम लोग इधर से अभी पोखरा एयरपोर्ट से निकलने वाला हूँ। तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट से निकल के आ चुका हूँ, एयरपोर्ट को पूरा एक्सप्लोर कर चुका हूँ, बहुत अच्छा था देखने में, बहुत अच्छा था। और नेपाल का अंदर पहला एयरपोर्ट है, वो डिजिटल एयरपोर्ट होने वाला है, सब कुछ अच्छे से हम लोग इंडिया जैसे बनाने वाला है, और जो वो बहुत बड़ा एकड़ और बहुत बड़ा एरिया लेके मना हुआ है। तो फाइनली हम लोग अभी इधर से निकल जाऊँगा, तो और कहाँ जाना है क्या करना है सब कुछ दे सकूँगा। तो आज का वीडियो इधर ही करने वाला हूँ एंड, आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, और एक नया वीडियो साथ दोबारा मुलाकात कर रहा हूँ।